अगर कैल्शियम हुई तो यू विल डेफिनेटली पिक इट। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑन एंजियो स्टैंड? किसने बताया? पशु कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्टैंड में और कैल्शियम में? स्ट्रट्स। इफ यू आर एबल टू सी इतनी हाई क्वालिटी एंजियो हो कि स्ट्रट्स आपका डिफरेंशिएट हो जाए तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ हिस्ट्री का डेफिनेटली आपको हेल्प आउट है। जी इसकी फाइंडिंग बताइए, इसकी फाइंडिंग बताइए। एक तो जी कैल्सिफिकेशन है, ठीक है, उसके अलावा कुछ है? यस मेड आर सी में डिजीज है, ठीक हो गया जी। और आगे कहीं है? आगे बोले यहाँ पे भी है यहीं से स्टार्ट होगी एक्चुअली डिजीज, और कहीं पे वो ज्यादा सीवियर हो रही है, कहीं पे मॉडरेट की। जी फाइंडिंग so there is calcification the proximal LED, proximal cell, RCA calcification है वहाँ पे, देखो और proximal LED के अंदर filling defect का भी शक पड़ता है, तो आप उसको देखेंगे जहाँ इतनी calcium आ गई है तो हो सकता है कि वहाँ पे clot बड़ा हो, क्योंकि calcium means severe atherosclerotic disease, तो सो देर आर हाई चांसेस कि वहाँ पे कोई थ्रोम्बस पड़ा हो सकता है, ठीक है। और बाकी सर के अंदर पेट में यहाँ पे ये डिजीज है और अगर कहीं और है तो वो भी आप लेफ्ट लेग को शॉर्ट बोल सकते हैं, यू डोंट कमेंट। किसको? इसमें अगर बहुत ऑब्वियस की फाइंडिंग है फिर तो कमेंट करना ही करना, वरना यूजुअली देयर इज नो नीड। सर शॉर्ट और लॉन्ग है इन सब चीजों पे तो कमेंट नहीं करेंगे? नो, बड़ा मुश्किल है अनलेस कि आपको स्पाइडर मिल जाए। कैसे फाइट ऐसे तो बताओ ना, आखिर क्यों यूज किया है? एमी रोडर चला दिया, दिल चाह रहा था प्रैक्टिस करने का, और कोर्स कुछ होगा तो उसकी इंडिकेशन बनी थी ना, क्लासिफिकेशन नहीं बताओगे तो। और यहाँ क्या सिनेरियो है? सो जहाँ रोटा आएगा वहाँ पे कैल्शियम आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। बाकी फाइंडिंग आप भी करने हैं, कोई स्टेनोसिस है या नहीं है, वायर वहाँ प्लेस की हुई है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप उसमें देखेंगे। डाइसेक्शन तो नहीं, नो। सो तो आरसी के अंदर कैल्सिफिकेशन है ह्यूज, स्वेयर डिजीज भी है उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक, आपने रोटा बेटर यूज कर रहे हैं, प्लांट से कैथेटर है और टीपीएम की, ये सारी बातें लिखेंगे। और हाँ वायर हाँ प्लेस हुई है, जब ये सारी बातें आप लिखेंगे तो यू विल गेट द मार्क्स। एक लॉस पे नंबर नहीं मिलते। किस कंडीशन में रोटा ब्लेशन यूज नहीं करना? अगर ऑस्ट्रिया लेफ्ट में कैल्सिफाइड हो तो भी नहीं करोगे?
फिर रोडा वहाँ यूज़ करना अगर कैचवाइज वहाँ यूज़ करना अनप्रोटेक्टेड लेफ्ट में तो ये रहता सीनरी है उसमें तो गेम डिफरेंट होती है उसका ताल्लुक रोडा से नहीं और यही वो पूछते हैं कहाँ करनी है वो सबको याद होती है कहाँ नहीं करनी वो याद नहीं होती यही वो पूछते हैं हमेशा एसटीजी में यूज नहीं करते और सेकंड एक्यूडामाइन में दिस इज व्हाट इज एनलिस्टेड देयर ना एक्यूडामाइन में भी आपने करना और तीसरी चीज थी इवन देयर इज कैल्शियम बट देयर इज ओनली सिंगल वेसल विल सप्लाई द मस्कुलेशन क्योंकि डाइसेक्शन के चांसेस होते हैं अगर वो भी आपने बंद कर दी डाइसेक्शन करा के तो दीज आर थ्री कॉन्ट्राइंडिकेशन जो आपको याद होनी चाहिए हाँ जी ये क्या है आगे चाहिए तो पता ही लग आई वेस क्या होता है तुम्हारे सामने है अभी तुम ये सोचो कि दो डॉट क्यों है कोई रीजन हो गया आईएस की है क्या इन प्रैक्टिस करने के लिए लगा दिया इसको जी फाइंडिंग्स So where is the catheter? आरवी के अंदर ठीक है अगर आरवी में है तो अगेन पीएस कैसे पता चलेगा और आर रूट की ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है जी जी फाइंडिंग्स ओके दिस इज नॉट अ फाइंडिंग ना दिस इज अ फिनोमेना जिसको आप मैनेज करते हैं इसको आप डिस्क्राइब कैसे करोगे कोई फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन की बात करो कोई इंक्रीज फ्लो की डिक्रीज फ्लो की सो देयर इज अ वायर देयर इज अ बैलून ठीक है जिसको इन्फ्लेट किया है और उसके बाद जब कंट्रास्ट दिया तो आपको टीमी ऑलमोस्ट 2 फ्लो तक मिला है ठीक है सो व्हाट इज द डायग्नोसिस नो रीफ्लो डायग्नोसिस सो हाउ यू प्रिवेंट नो रीफ्लो प्रॉपर एंटीकोगुलेशन ओके और कुछ ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर को आप ऑप्टिमम रखें और इसके अलावा सर प्रॉपर डाइट ओके प्रॉपर लोडिंग द डाइट और सर टाइम शॉर्ट करें ना डोंट डू बैलून टाइम को शॉर्ट करें डोंट डू बैलून टाइम का अराइवल ऑफ यस ऑफ कोर्स ठीक है सो हाउ यू ट्रीट इट दैट माइक इज रियल वैल्यू to get to the learning visa
कौन सी ड्रेस है चार ड्रेस के नाम बताए जीपीडी नहीं लेते आगे चले एक गाड़ी का सीन है दूसरी नाइट रेस होगी तीसरी चौथी ओके ये चार ड्राइवर हैं जो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन इज अडीना सिंह फर्स्ट लाइन इज अडीना सिंह नाइटेड की बोला सो और जीबी टू भी थ्री लिमिटेड वो कब देते हैं क्या जीबी टू भी थ्री लिमिटेड है इसके ट्रीटमेंट का पार्ट है या प्रिवेंशन का पार्ट है अभी तो आप ये तो यूनाइटेड से जा रहा पर उसके बाद फिर आप कुछ चला देते हो यही तो बता रहा हूँ क्या करना है मैं किसलिए खड़ा हूँ यहाँ ये तुम्हें ऐसी बातें घुमाते रहेंगे कंट्रोवर्जन सही बात कोई नहीं बताएगा एग्जाम में तुम्हें भाई बताएगा सर भाई हाथ है भाई की बात सुनो बी लाइक भाई चल नेक्स्ट वेरी इजी हां व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथेसिया एंड एनिमिज्म ओके थोड़ा और इसको मॉडिफाई करते हैं ठीक है ओके सो अगर एक आपके पास डायलेटेशन है और वो लॉन्गिट्यूडनली ज्यादा एक्सटेंडेड है एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शनली तो ये एक्टेसिया उलट कर लो एनरिज्म तो ये क्या है तो जब भी एनरिज्मेटिक वेसल्स आपको मिलेंगे क्या सोचेंगे अगर एज ज्यादा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस एज कम है तो सिंपल ओके सो दिस क्लिप इज ऑल अबाउट एन एडवांस कैथेटर कहां से आ रहा है आईवीसी से कहां को गया आर में वहां से वहां से कहीं से आए ये आईवीसी यारे में ये एसवीसी उसके बाद ये क्या है ये कौन सी चीज यहाँ हो सकती है चलो पहुंच गई जैसे मर्जी पहुंची फिर यहाँ से काम गई ये क्या है कंट्रास्ट भी दिया है और कंट्रास्ट का फ्लो देखिए किस तरह से आ रहा है इस तरह से आ रहा है तो ये तो सी एस है ना This is coronary sinus. ये towards the RA जा रहा है. अब ये क्या है? ये यहाँ से निकल के वापस coronary sinus में कैसे घुस सकता है? इसका मतलब है कोई ऐसी communication है जो RA में गई है और RA से फिर आप गए हैं CS में क्योंकि opening CS की तो RA के अंदर है. मतलब ऐसी CS. ठीक है. What is azygous vein? नहीं ठीक हो गया. It's a zygous vein.
इंजेक्शन तो टिप पे लिया ना, टिप जहाँ होगा कंट्रास्ट तो वहाँ जाएगा। एस बी सी के बाद से नीचे आ रहे तक जहाँ से ये सारा जो कम्युनिकेशन है जो वापस उसको लेकर आया आ रहे हैं, क्योंकि वेन सारी सारी आ रहे में जाएंगे ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये गौरी साइनस है, ये आ रहे हैं और ये एजाइगस वेन है जो कि आ रहे में ट्रेन कर रहा था। सो कैथेटर एजाइगस वेन से होता हुआ वापस आ रहे में आया और फिर यहाँ से सी एस में गया।